फिजिकल और मेंटल लेजीनेस को हम कैसे दूर करें, तो मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम लेजी क्यों हैं और लेजी हम कब होते हैं। आज यहाँ पर सेशन के लिए आना था, कितने लोगों के अंदर लेजीनेस थी यहाँ पर आने के लिए? था कोई तो होगा, मतलब आलस आ रहा था, अरे यार सेशन में जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। कितने लोग हैं जिनको रात को नींद भी नहीं आई ढंग से? हाँ देख लो क्या हो रहा है, मतलब लेजीनेस तो दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रही है। मतलब इतने एक्साइटेड थे कि सुबह का वेट कर रहे थे, ठीक है, और जब सुबह उठे अलार्म से पहले ही कितने थे जो उठ गए अपने आप ही। देख लो क्या हो रहा है ना। और यही अगर कहीं जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो 5 मिनट और है, अब मैं राउंड फिगर करूंगा, अब 7 बजे, अब ये, अब वो, फिर जब पीछे से गालियां पड़नी शुरू होती है, कितना रोज का यही है, तब हम उठ करके खड़े होते हैं, होता है ना। तो हाँ सोए नहीं आप, देखो, और अभी भी नींद नहीं आ रही है, अभी भी कोई आलस नहीं है, यानी कि फेसबुक व्हाट्सएप ये वो, यहाँ पर कहीं कोई लेजीनेस नहीं नजर आती। नहीं, कितने घंटे दिन में थकते हो क्या? आंखें थक जाती हैं, हाथ थक जाते हैं, ये ऐसे ऐसे हो रहा होता है ना, पड़े होते हैं एक अलग सी पोजिशन में, और बॉडी थक जाती है, आंखें थक जाती हैं, लेकिन मन नहीं थकता। वहां पर लेजीनेस नहीं है, वहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? अरे बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा। लेकिन अगर स्पेशली अगर आप एक फीमेल हो, और सेल्फी मैंने ले ली आज अगर सेल्फी ले ली तो डू यू प्रोक्रेस्टिनेट कि अब इसको मैं डालूं या ना डालूं फेसबुक पे? आप ये सोचते हो कि नहीं 4 दिन बाद डाल दूंगी, अभी आलस आ रहा है, या फिर होता है लिए तो फटाफट से डालो और फटाफट से देखो कितने लाइक्स आए हैं, क्या कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स के रिप्लाई करो, थैंक यू सो मच। वो बंदा मजाक कर रहा है, एक भद्दी सी आपकी सेल्फी है और इतनी गंदी सेल्फी के ऊपर कोई अच्छे कमेंट्स आ गए हैं और आप उसको रिप्लाई करने में लगे हुए हो, कोई लेजीनेस नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ लेजीनेस है, एक तरफ नहीं है इंटरेस्ट, एब्सोल्यूटली। किसने बोला? हाँ, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। मतलब एक तरफ हमारा इंटरेस्ट है, एक तरफ नहीं है। आज का दिन इंटरेस्टिंग है, हर दिन को ऐसा क्यों नहीं बनाते, हर दिन कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जो कुछ नया हो, कुछ मजेदार हो, कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ ऐसा हो जो आपका अंदर से आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अगर वो सब आप एक्सप्लोर कर पाओ और मरते दम तक कर पाओ, ये नहीं कि एक लेवल पे जाकर के रुक गए, आज मैं एक जगह पर पहुंचा हूं, लेकिन अभी भी डेली मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा हूं, अपनी एक नई साइड को देख रहा हूं, एक नए संदीप को डिस्कवर कर रहा हूं डेली, लाइफ अभी भी एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, हर सेकंड में मजा आ रहा है जीने में, ऐसा कैसे हो पा रहा है? देखो कुछ चीजें हैं जो आपको मजबूरी में करनी पड़ रही है, मैं ये नहीं कह रहा उसको करना बंद कर दो, करते रहो। जैसे सपोजिंगली कुछ पढ़ाई करनी पड़ रही है, साथ साथ में कॉलेज जाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, वो तो करते रहो, लेकिन साथ साथ में डेली कुछ नया क्यों नहीं करते? क्या कुछ नया करने के लिए नहीं है इस दुनिया में? कुछ नया सीखने के लिए नहीं है? अगर अपनी लाइफ को आपको कुछ अलग करना है, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ये इस गलतफहमी से सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा आप लोगों को कि कोई और आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। अपनी लाइफ का ठेका अगर आपने किसी और को दे दिया, चाहे वो कोई भी हो, तो समझ जाओ आपकी लाइफ बोरिंग होने वाली है। अपनी लाइफ का ठेका खुद उठाना पड़ेगा। मेरी लाइफ का ठेका मेरे हाथ में है, मुझे देखना है मेरे को क्या करना है, कैसे करना है।